लांजी नगर में सट्टा संचालित करने वाले दो सटोरियों को लांजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अंकुश चौहान और किशोर उइके, जो कि कई वर्षों से सट्टे का अवैध कारोबार करते आ रहे हैं, जिन पर पुलिस ने पहले भी कार्रवाई कर मामला पंजीबद्ध किया है, परंतु यह सट्टे का कारोबार करते आ रहे हैं जिससे नगर का माहौल खराब हो रहा है। उक्त मामले को दृष्टिगत रखते हुए लांजी पुलिस ने SDOP सत्येंद्र गंगोरिया के निर्देश पर थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी के नेतृत्व में सटोरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दोनों सटोरियों को गिरफ्त में लिया है। दोनों आरोपियों पर पहले भी अलग अलग धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है, जिसमें गैम्बलिंग जैसे अपराध भी आते हैं। पूर्व में आरोपी अंकुश चौहान एवं किशोर उइके पर विभिन्न धाराओं के तहत लांजी थाने में अपराध दर्ज है। वर्षों से कर रहे हैं सट्टे का कारोबार। ज्ञात हो कि अंकुश चौहान और किशोर उइके, जो लांजी के निवासी है, यह दोनों काफी वर्षों से लांजी नगर में सट्टे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो कि शासन में गैर कानूनी अपराध है। उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए लांजी पुलिस ने सट्टा कारोबारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई की है, जिसमें दोनों आरोपियों को SDM न्यायालय में पेश दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कार्रवाई कल रात्रि में हमको सूचना मिली थी कि दो युवक जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में काफ़ी जो है गाली गुप्ता कर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे दो युवक। तो उस पर सूचना पे से हमें सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि यह था कि दो लड़के जो हैं उपद्रव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह जमा हो गई थी। और हमारे थाने के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को जो है थाने लाया गया। उनसे बात की गई तो उनसे जो है वो उनके द्वारा शराब का सेवन करना भी जो है वो पाया गया था। इस वजह से और सामान जो है स्थिति को जो है नगर की स्थिति को ख़राब करने का अंदेशा होने के कारण जो है हमने इनके ऊपर जो है 151, 160, 16 की कार्रवाई करने के तहत माननीय SDM न्यायालय में हमने पेश करा है इन लोगों को, दोनों युवकों को। सर क्या कौन कौन है सर ये दोनों युवक? इन दोनों का नाम है किशोर उइके और अंकुश चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लांजी के ही रहने वाले हैं दोनों युवक। सर इनके ऊपर पहले भी कोई अपराध हुआ? इन दोनों युवकों के ऊपर पूर्व में भी जो है गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ हो चुकी है, और आदतन इनका पूर्व में भी रिकॉर्ड जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा है दोनों युवकों का। इसलिए जो है नगर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए इनके ऊपर जो है 151 की कार्रवाई के लिए हमने माननीय SDM न्यायालय में पेश किया। अभी क्या गैम्बलिंग एक्ट में भी अभी शुमार है वर्तमान? इनके ऊपर पूर्व में प्रकरण रहे हैं गैम्बलिंग एक्ट के,